हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज मैं आपके लिए ये गांठ वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इसको आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं या फिर शॉल जो बनाते हैं उसमें आप किसी भी डिज़ाइन के साथ में इसको मैच कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो देखिए, ये बेसिकली चार फंदों का डिज़ाइन है और चार रो में ही बनता है। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रंट साइड है, या आप इसको राइट साइड बोल सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए, ये बैक साइड है ये इसका। तो फिर चलिए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम चार के मल्टीपल में फंदे डाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैंने टोटल 14 फंदे डाले हुए हैं, तो जिसमें दो फंदे हमारे एज स्टिच के रूप में काम आएंगे और बाकी के फंदों में हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अगर कोई बॉर्डर बनाना हो आप बना लीजिएगा, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो रोज सीधी सीधी दोनों तरफ से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, स्लिप किया पहला फंदा और सभी फंदे सीधे बना दीजिए। वापस से आएंगे, फिर से पहला फंदा स्लिप किया, थ्रेड पीछे ले जाइए और सभी फंदे सीधे बना दीजिए। और लास्ट वाला भी सीधा ही बुन देंगे। तो ये हो गई थी हमारी फाउंडेशन रोज। आप इसको बिना फाउंडेशन रो के भी आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी रो नहीं बनाई है, डायरेक्ट इसको यहीं पे मैंने सीधे बनाना शुरू किया था। देख, तो देखिए प्रोजेक्ट के हम राइट साइड में, तो इस रो को हम, जो हमारी फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो को हम पूरा उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, सभी फंदे उल्टे बना दीजिए इस तरह से। ये लास्ट वाला है, इसको धागा पीछे करके सीधा बना दीजिए। आप सेकेंड रो, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, कि पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद में थ्रेड पीछे ले जाइए। ये जो फंदा दिख रहा है, इसको, ये एक फंदा है, इसको हमें तीन फंदे बनाने हैं। तो इस तरीके से नेडल डालिए, ये यहाँ पे इतना ही छोड़ेंगे हम, इसको पूरा वापस निकालेंगे नहीं। थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाइए, थ्रेड पीछे ले जाइए, नेडल इसी फंदे में डालिए, अभी तक हमने उतारा नहीं है इसको, फिर से एक फंदा सीधा बनाइए। तो देखिए, तीन फंदे हो गए हमारे एक फंदे के। क्या किया था हमने, पहला फंदा पहली बार में सीधा बनाया, फिर धागा आगे ला के उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे करके सीधा बनाया, तो एक फंदे के तीन हो गए। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड आगे लाइए, ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं, देखिए
इन तीनों फंदों को हमें एक साथ बना देना है इस तरीके से। और ये देखिए, ये तीनों फंदों का हमने एक कर दिया। फिर से थ्रेड पीछे ले जाइए और एक फंदे का जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही करेंगे। देखिए निडल डालिए, एक फंदा सीधा बनाया लेकिन हमने उतारा नहीं है यहाँ पर। फिर से आगे लाइए धागे को, एक फंदा उल्टा बनाइए, पीछे कीजिए धागे को, फिर से उसी फंदे में एक फंदा सीधा बनाइए। तो हमारे तीन फंदे हो गए यहाँ पर। धागा आगे लाइए, तीन फंदे उल्टे बना लीजिए। ये देखिए, धागा पीछे कीजिए, फिर से एक फंदे के तीन करने हैं। तो देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, सीधा बनाया, देखिए इस तरीके से। धागे लाइए आगे, फिर से उसी फंदे में एक उल्टा बनाया, धागा पीछे कीजिए, फिर से एक फंदा सीधा बनाया और उसको उतार दिया। तो एक के तीन हो गए। अब ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं ये हमारा एज वाला है। इन तीनों फंदों का हम तीन का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से नीडल डालकर तीन का एक कर दिया। लास्ट वाले को धागा पीछे करके सीधा बनाना है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रो। तो अब देखिए फर्स्ट थर्ड रो में क्या करना है। पहला फंदा स्लिप किया और सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे। देखिए ऐसे ही उल्टा बनाते हुए जाएंगे। और लास्ट वाले को सीधा बना देंगे। ये देखिए हमारी थर्ड रो थी, फोर्थ रो। तो देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ कि जब हमने यहाँ पे तीन का एक किया था तो इस बार हम तीन का एक यहाँ पे करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पर देखिए इन ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं फोर्थ रो में, इन तीनों को एक करना है। तो तीनों का एक फंदा बनाया इस तरह से। ये देखिए फिर थ्रेड पीछे ले जाइए। अब ये जो फंदा दिख रहा है इसका एक का तीन करना है। तो जैसे हम पहले किए थे वैसे ही करेंगे कि एक बार सीधा बनाया, एक बार उल्टा बनाया, एक बार सीधा बनाया सेम फंदे में। तो देखिए एक फंदे के हमने तीन कर लिए। अगेन ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं इनको तीनों का एक करना है। तो देखिए इस तरह से थ्रेड पीछे ले जाइए। ये वाला फंदा है तीन का एक, सॉरी एक का तीन। देखिए इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अगेन थ्रेड आगे लाइए, इन तीनों को एक बना दीजिए। ये देखिए फिर थ्रेड पीछे कीजिए। अब ये एज वाला फंदा है और उससे पहले ये है, तो इस फंदे को हम एक फंदे का तीन बनाएंगे। देखिए नीडल इस तरह डाला, एक फंदा सीधा बनाया, थ्रेड आगे लाइए, इसी फंदे में एक फंदा उल्टा बनाया, थ्रेड पीछे कीजिए, फिर से इसी फंदे से एक फंदा सीधा बनाया। तो एक फंदे के तीन कर लिए और लास्ट वाला एज वाला है इसको सीधा बना दिया। तो ये चार रोज़ का डिज़ाइन था। तो देखिए अभी आपको इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए तो मैं आपको एक रो और बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रो और बना दी है। तो ये पैटर्न आपका इस तरीके से आएगा। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं या आप इनको बड़े बड़े सीड कह लीजिए जो भी, तो ये देखिए अल्टरनेट आएंगे। ये एक रो में नहीं जा रहे हैं, एक इधर तो एक इधर, एक इधर, ये देखिए इधर है तो ये सेंट, इन दोनों रोज के बीच, इन दोनों ये जो बबल्स बन रहे हैं इनके
सेंटर में आएगा। नेक्स्ट जब हम रो बनाएंगे तो इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे आएगा डिज़ाइन और यहाँ पर आएगा। तो ये एक सीध में नहीं चलते हैं, ये एक दूसरे के मिड में चलते हैं। देखिए तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही नए नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।